नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग नरेशन का एक्सरसाइज 1 को डील करने जा रहे हैं। सारे बच्चों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ये नोट्स आप लोगों को मिल चुका था एक्सरसाइज का, ठीक है। तो नरेशन को आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और एक एक करके बना लीजिए और फिर मिलाइए। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 इससे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए तेजी से हम लोग बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1 को हम लोग आज डील करते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा अरुण सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। अरुण सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। इसको कैसे बनाएंगे? अरुण सेज को सेज में ही रख देंगे। हम लोग जानते हैं कि से रहता तो से में रखते हैं, सेटू रहता तो उसे टेल में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अरुण सेज और इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम लोग लिखेंगे दैट, ठीक है। यहाँ तक अरुण सेज इन्वर्टेड कोमा के बदले मैंने लिखा दैट There is no ink in the ink pot। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है कि जो reported speech है, ध्यान रखेंगे, इसको reporting verb कहते हैं, इसको reported speech कहते हैं। और इधर यदि कोई भी first person और second person है तो उसको बदलिए, और यदि कोई first और second person नहीं है तो same to same उतार दीजिए। मैं यहाँ से यहाँ तक देख पा रहा हूँ, ना ही कोई आई और वी परिवार का है, ना ही यू परिवार का है, यानी कहने का मतलब हुआ इसमें कोई फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं है। तो इसको सीधा सीधा कैसे लिखेंगे? देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट, ठीक है। यदि आप लोग इसे बनाने में सक्षम नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो नरेशन का जो क्लास वाली वीडियो है उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप उसको एक बार उस पर क्लिक करके पहले नरेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसको पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए तब आपसे ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है द टीचर सेज द गर्ल वाज लेजी। तो इसको बनाएंगे द टीचर सेज अब इन्वर्टेड कोमा को हम लोग बदलेंगे दैट में, ठीक है। अब इसमें भी कोई फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं है इसलिए ये भी सेम टू सेम उतर जाएगा, द गर्ल वाज लेजी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर इधर वर्ब चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इधर प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो जब इधर प्रेजेंट और फ्यूचर आता है तो उधर वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा द प्रिंसिपल सेज स्नेहा विल फेल। तो ये सेम प्रश्न उसी टाइप का है, द प्रिंसिपल सेज इन्वर्टेड कोमा को दैट में, और इधर भी कोई फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं है, इसको भी सेम टू सेम उतारेंगे, स्नेहा विल फेल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को उम्मीद है ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, यदि नहीं आ रहा तो पहले जाइए आप उस वीडियो को देख के आइए, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं। मुकेश विल से डिनर इज रेडी। तो इसका आप कैसे बनाएंगे? मुकेश विल से को लिखेंगे विल से, मुकेश विल से इन्वर्टेड कोमा को दैट, डिनर इज रेडी को सेम टू सेम लिखेंगे डिनर इज रेडी, डिनर इज रेडी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह सब चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पांचवें नंबर प्रश्न की ओर, और यह आपके स्क्रीन पर रहा पांचवा नंबर क्वेश्चन। विनय विल से नोबडी वाज इन द रूम। तो इसको बनाएंगे विनय विल से इन्वर्टेड कोमा को दैट, और नोबडी वाज इन द रूम, इसमें भी कोई फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं है, इसको भी हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। नोबडी वाज इन द रूम दैट लगाकर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और आपके स्क्रीन पर यह रहा छठा क्वेश्चन। मिस्टर पांडे विल से सुरेश विल नॉट पास। तो इसको कैसे बनाएंगे? मिस्टर पांडे विल से इन्वर्टेड कोमा को दैट में, और सेम टू सेम इसको उतार देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सातवें नंबर प्रश्न की ओर। कहता है सी सेज टू को आप बदल देंगे टेल्स में, सी टेल्स देम, से रहा तो से को से में रखेंगे, लेकिन से टू रहा तो टेल में, सी टेल्स देम इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदलेंगे। अब इसको बदलाएंगे दिस
इज अ माइंड, माइंड फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बनेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और माइंड अपने आप में यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है ना, माइंड क्या है पजेसिव प्रोनाउन, तो सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हर्स है ना, एंड दैट इज योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये भी अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन है, तो देम का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, देम का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा दियर्स, क्या हो जाएगा जी दियर्स, ठीक है, और ये आपके स्क्रीन पर रहा इसका सही सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आठवां नंबर प्रश्न, सी सेज टू मोहन, तो इसको ऐसे बनाएंगे, सी टेल्स मोहन इन्वर्टेड कोमा को दैट, और इधर जैसे है वैसे उतारेंगे, इफ दैट में लिखे इफ अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन ने अपना सब्जेक्ट दिया ही और ही के साथ गिव के जगह पर हो जाएगा गिव्स, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और मी अपने आप में यहां ऑब्जेक्ट है ही बदलेगा सी से, तो सी अपना ऑब्जेक्ट भेजेगा हर, अ पेन कोमा आई शैल गिव अ बुक, तो फर्स्ट पर्सन फिर बदलेगा सब्जेक्ट से, तो हो जाएगा सी विल गिव अ बुक, ठीक है, ये हो गया आपका सही सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन की ओर, करा ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, ही सेज को सेज में रखेंगे, ही सेज दैट, अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही से बदलेगा ही अपना सब्जेक्ट देगा ही, और ही के साथ लगाएंगे इज, ही इज ग्लैड टू बी हियर, ही इज ग्लैड टू बी हियर और दिस इवनिंग रह जाएगा दिस इवनिंग में, इसमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक भाग पास्ट टेंस में नहीं है, एक भाग पास्ट टेंस में होता तो दूसरा भाग में हम लोग वो सब परिवर्तन करते, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर, कहता है ही सेज इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और ही ने अपना सब्जेक्ट दिया ही डिड नॉट गो देयर, हो गया, बस इतना तो आसान है ये। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न उत्तर की ओर, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, ही सेज इन्वर्टेड कोमा को दैट में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही ने अपना सब्जेक्ट दिया ही के अनुसार लगाए इज, ही इज गोइंग टू पटना, ठीक है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन, ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा दिया आपको वीडियो देखने में, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, ठीक है। मैं अभी थोड़ा शारीरिक रूप से, मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं, मेरा वेशभूषा थोड़ा बदला हुआ है।